असल स्टूडेंट्स जब एक कंपनी बनती है तो हमारे पास जो वो पर्सन होते हैं जो बाद में उस कंपनी के शेयर होल्डर्स या मेंबर्स कहलाते हैं वो और कंपनी बोथ आर सेपरेट लीगल पर्सन उस कंपनी को चलाने के लिए यही शेयर होल्डर यही मेंबर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं वो खुद भी हो सकते हैं वो किसी को अपॉइंट भी कर सकते हैं सही है अच्छा जब डायरेक्टर्स को मैंने अपॉइंट कर लिया तो इसका मतलब है कंपनी मेरी है चला कोई और रहा है तो यहां पर जो रिस्पॉसिबिलिटीज होती हैं और जो पावर होती है उसका एक शिफ्ट गेम स्टार्ट हो जाता है तो इस चीज को कवर करने के लिए लॉ ने आपसे कहा है कि जी कुछ कुछ चीजें ऐसी जो कि डायरेक्टर्स के आते हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि डायरेक्टर करने जा रहे हैं तो उनको शेयर होल्डर से पूछना जरूरी है फॉर एग्जांपल आ, नाम अगर चेंज करना है तो शोल्डर से पूछा बगैर आप नाम कैसे चेंज कर सकते हैं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ही चेंज करना है जिस पर्पज के लिए कंपनी बनी थी वही चेंज करना है तो वो आप शोल्डर से पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं तो इसका मतलब है शेयर होल्डर से एग्री करवाना पड़ेगा सही है वो एग्रीमेंट क्या कहलाता है या वो चीज जो एग्री आपने करवानी है वो क्या कहलाता है वो कहलाता है, है रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन हमारे पास दो किस्म के होते हैं एक होता है ऑर्डनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन ये बहुत से सेक्शन में हमारे पास ये चीजें आ रही होती हैं ऑर्डनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन तो एक बहुत ही अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन के साथ हम इन सारी चीजों को इनशाला आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे डेफिनेशन भी देखेंगे इलस्ट्रेशन भी देखेंगे टेक्निकलिटीज में भी जाएंगे वॉट इज ऑर्डनरी रेजोल्यूशन ऑर्डनरी रेजोल्यूशन मीन्स अ रेजोल्यूशन पास बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ सच मेंबर्स ऑफ द कंपनी इंटाइटल टू वोट एज आर प्रेजेंट इन पर्सन और बाइ प्रोक्सी और एक्सरसाइज द ऑप्शन टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेट एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल और एज मे बी स्पेसिफाइड एट अ जनरल मीटिंग बहुत से वर्ड यहां पर आ रहे हैं पे आ रहे बच्चे सिंपल मेजोरिटी का मतलब है मोर देन फिफ्टी परसेंट सही है ऑर्डनरी रेजोल्यूशन मतलब सिंपल मेजोरिटी ये लॉ ये अगर आपने ये चीज करने जाना है सिंपल मेजोरिटी मोर देन 50 परसेंट अगर एग्री कर जाएंगे हम ये चीज को चेंज कर लेंगे ठीक है इंटाइटल टू वोट एज आर प्रेजेंट इन पर्सन या तो मेंबर खुद मौजूद हो मेंबर नहीं आ सकता तो मेंबर प्रॉक्सी किसी और को बोलेगा तुम मेरी जगह पे चले जाओ सही है और एक्सरसाइज थ्रू पोस्टल बैलेट अगर फॉर एग्जांपल चाह सकता तो पोस्टल बैलेट के थ्रू जिसमें वो वोट देगा और वो पोस्टल बैलेट जो है वो कंपनी के पास जमा करा देगा एक सर्टेन रिक्वा मीटिंग सेशन पढ़ेंगे एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल और जनरल मीटिंग सही है तो पोस्टल बैलेट क्या होता है पोस्टल बैलेट मीन वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड सही है। बहुत से ओवरसीज पाकिस्तान है जो कि वोट देना चाह रहे हैं तो क्या वो वोट पाकिस्तान में आके पर्सनली दे सकते हैं हाँ, दे सकते हैं आ जाए ठीक है नहीं दे सकते किसी को प्रॉक्सी कर लें प्रॉक्सी वाला रूल पाकिस्तान में आपको पता है कि ये चीज अप्लाई नहीं है जो बंदा है ओरिजिनल वो खुद लेके जाएगा या वो वहां से बैठ के इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू या तो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कर दे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू वोट कर दे पोर्टल का एक्सेस करे वहां जाके अपने कैंडिडेट को मुंतब करे और वहां पर जाके वोट दे दे तो पोस्टल बैलेट का तरीका कंपनीज में भी अप्लाई होता है अच्छा सबसे पहली बात तो सर इसका मतलब है एक कंपनी है आप देखें यार ये ये एक एक इतने सारे एक एक एजीएम हो रही है एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है एक मीटिंग हो रही है शेयर होल्डर्स की और ये पूरा हॉल भरा हुआ ये मोवन पेक या फिर फॉर एग्जांपल ये शेरेटन या फिर ये पीसी होटल ये पूरा भरा हुआ ये पूरा भरा हुआ मेम्बर्स है सर अब कैसे पता चलेगा कि सिंपल मेजोरिटी फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमने ये हमने ये असेस करना है कि क्या हम फॉर एग्जांपल के पी एम जी को अपने ऑडिटर अपॉइंट करें या नहीं करें सही है मेंबर से अप्रूवल लेनी है के पी एम जी को ऑडिटर अपॉइंट करें नहीं करें अब इतने लोग बैठे हैं तो सर कैसे होगा प्यारे बच्चों सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी इन केस ऑफ शो ऑफ हैंड सही है डायरेक्टर साहब या जो चेयरमैन साहब होंगे वो आवाज लगाएंगे हाँ जी क्या हम के पी एम जी को अपना ऑडिटर अपॉइंट करें तो लोग हाथ उठाएंगे कुछ लोग हाथ उठाएंगे कुछ लोग हाथ नहीं उठाएंगे जब लोग हाथ होंगे तो डायरेक्टर देखेगा हाँ जी ये मेजोरिटी लोग मुझे लग रहा है कि हाथ उठा रहे हैं रेजोल्यूशन पास केपीएमजी विल बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी मैंने शोल्डर से पूछा डिसीजन ले लिया प्यारे बच्चों सही है तो शो ऑफ हैंड्स में कैसे काम होता है एक इलिस्ट्रेशन देखने बच्चों Finance, है। उसका अप डिटेल्स आ गई हर मेंबर के पास डिफरेंट किस्म के नंबर ऑफ शेयर है सही है किसी के पास वन पॉइंट वन मिलियन है किसी के पास वन पॉइंट टू मिलियन है किसी के पास वन पॉइंट जीरो नाइन फोर मिलियन है आपके सामने चौदह शेयर होल्डर्स आ रहे हैं उनके नाम आ रहे हैं और उनके नंबर ऑफ शेयर आ रहे हैं ठीक है हमारे पास होती है. इस में जो है दो ए और मिस्टर सी प्रॉक्सी के थ्रू हमारे पास आए तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो हमारे पास प्रेजेंट है वो नाइन है और उनके पास जो शेयर है उनके पास जो शेयर है वो है टोटल सेवन पॉइंट फाइव मिलियन ठीक है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर मिलियन थे जिसका इश्यूड सब्सक्राइब पेरियड कैपिटल हंड्रेड मिलियन बन रहा था और दस मिलियन शेयर में सेवन पॉइंट फाइव नाइन नाइन मिलियन के नंबर ऑफ शेयर वाले मेंबर्स हमारे पास मौजूद थे ठीक है कितने मेंबर्स मौजूद थे नौ मेंबर्स मौजूद थे टोटल मेंबर्स कितने थे चौदह मेंबर्स नौ मौजूद थे, थे ठीक है अगर ऑर्डनरी रेजोल्यूशन है अगर ऑर्डनरी रेजोल्यूशन है और ऑर्डनरी रेजोल्यूशन के केस में अगर बाय शो ऑफ हैंड्स होने जा रही है तो आपने यह देखना है कि अच्छा इन नौ में से कुछ लोग मेंबर्स फेवर में वोट करेंगे कुछ अगेंस्ट में वोट करेंगे फेवर में किसने वोट सही है टोटल, मेंबर्स कितने है? टोटल मेंबर्स है? इसका मतलब है परसेंटेज ऑफ फेवर कितना आ गया फिफ्टी फाइव क्या ये सिंपल मेजोरिटी बन गया ये सिंपल मेजोरिटी बन गया प्यारे बच्चों शो ऑफ हैंड्स में शो ऑफ हैंड्स में इन केस ऑफ वोट्स थ्रू शो ऑफ हैंड्स ईच मेंबर शेल हैव वन वोट इन रिस्पेक्टिव ऑफ दी होल्डिंग ऑफ शेयर शेयर एक शेयर हो मेरा एक हाथ है मेरा एक ही वोट काउंट होगा सही है मेरा एक ही वोट काउंट होगा मेरे दो वोट काउंट नहीं होंगे प्यारे बच्चों बिल्कुल आप इसको समझ लेके शो ऑफ हैंड्स का मतलब ये होता है अच्छा लेकिन सर ये तो आपको लग रहा है कि अगर एक शेयर होल्डर है जिसके पास 80 परसेंट शेयर्स हैं उसका भी एक ही हाथ काउंट होगा सर उसका भी एक ही हाथ काउंट होगा तो सर ये तो ज़्यादी हो गई सर कंपनी जिसके पास मेजोरिटी पैसा है सर टेंशन वाली बात ना ले अगर वो बंदा चाहे तो वो कह सकता है कि बेटा आ जाओ

ऑडिटर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपने पास करना है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के लिए और ये वो मेंबर्स हैं ये वो मेंबर्स हैं जो कि आपको कह रहे हैं कि हम इनके फेवर में जो पांच मेंबर्स हैं जो फेवर में तो उन पांच मेंबर्स की शेयर होल्डिंग कितनी है मिस्टर एफ मिस्टर जे मिस्टर एन मिस्टर ए मिस्टर सी इन सब शेयर होल्डिंग को अगर आप ऐड करें तो ये सारी की सारी बनती है 5.3 मिलियन टोटल मेंबर्स जो आपके पास प्रेजेंट हैं, जो प्रेजेंट हैं, वो हैं आपके पास 7.5 कर लें तो परसेंटेज ऑफ फेवर कितनी निकली, ये है प्यारे बच्चे सिंपल मेजॉरिटी है और इस केस में आपका ये पास हो जाएगा। तो का मतलब simple, बात है, 50%. या तो वो बाय शो ऑफ एंस हो जाए या वो औकात के हिसाब से हो जाए कि जी कितने नंबर

चौदह मेंबर्स में से प्यारे बच्चों चौदह का 50 निकलेगा चौदह में से जितने है में, अगर वो पूरा कर रहे है और पूरे कर, पूरे कर रहे है, उसका 50 निकलेगा हमेशा ये बात याद रखेगा तो जो हमारे पास अगर सिंपल मेजोरिटी की बात वो करता है तो सिंपल मेजोरिटी में अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के पंद्रह मेंबर्स है तो पंद्रह मेंबर्स का मतलब यह है कि जी क्या आठ का नंबर होगा नहीं सर आठ का नहीं देखा जाएगा पंद्रह में से मौजूद कितने पंद्रह में से दस मौजूद है अगर दस मौजूद है हमारे पास तो दस का सिंपल मेजोरिटी कितना होता है दस का सिंपल मेजोरिटी होता है छः अगर छः बाई शो ऑफ हैंड रेजोल्यूशन पास कर देते हैं रेजोल्यूशन पास हो जाएगा लेकिन सर अगर उसमें से किसी एक ने पोल करवा दिया ठीक है और पोलिंग होने जा रही है तो प्यारे बच्चों दस मौजूद हैं और दस में से एक बंदा ऐसा है जो कि फेवर में लेकिन उसके पास लेट से फिफ्टी होल्डिंग आ रही है रेजोल्यूशन पास हो जाएगा थैंक यू सो मच